आश्रम 3 में इंटीमेट सीन करते दिखेंगी ईशा गुप्ता। बॉबी देओल के साथ दिए इंटीमेट सीन। अपने इंटीमेट सीन को लेकर ईशा ने किया बड़ा खुलासा। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के एक्टिंग का हर कोई कायल है। हर कोई ईशा को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करता है। ऐसे में आश्रम 3 वेब सीरीज इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। भला हो भी क्यों ना, क्योंकि वजह ही ऐसी है। ईशा का बाबा निराला का रोल निभाने वाले बॉबी देओल के साथ इंटीमेट सीन देना। ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इस इंटीमेट सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ईशा ने बताया कि इस सीन्स को वो किस तरह से शूट करती थी। दरअसल बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए ईशा गुप्ता ने कहा, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल जैसा कुछ भी नहीं है, वो भी तब जब आपको करीब 10 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं। लोगों को लगता है कि इस तरह से इंटीमेट सीन देने में दिक्कत होती होगी, लेकिन ऐसा तब तक है जब तक आपकी लाइफ में इससे कोई दिक्कत न हो। हम लोग इसे लेकर बहुत ओपन हैं। मेरे लिए भी इस तरह के सीन देने में दिक्कत तब होती अगर मैं पहली बार इस तरह का शूट कर रही होती, लेकिन जब आप किसी बेहतरीन एक्टर के साथ इस तरह का सीन कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इंटीमेसी को लेकर नहीं है, ये बस इतना है कि इससे आप खुश हैं या नहीं। वेल, आपको बता दें कि आश्रम 3 वेब सीरीज में ईशा गुप्ता सोनिया का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। सीजन 1 और 2 को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। वेल, क्या आप भी इस वेब सीरीज के तीसरे सीजन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।